आईपीएल 2022 में एक साथ कई सारी ऐसी बातें देखने को मिली जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे शुरुआती समय में ही चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस वो कमाल नहीं कर पाई जिसके लिए दोनों टीमें जानी जाती हैं। उसके बाद बीच सफर में ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को दे दी। साथ ही सुरेश रैना को इस आईपीएल में कोई भी खरीदार नहीं मिला। ऐसे में रैना ने कमेंट्री करना बेहतर समझा, लेकिन वह भी पिच कमेंट्री में पता नहीं कहां गायब हो गए। गौरतलब है कि रैना ने आईपीएल के शुरुआती समय में कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन बीच आईपीएल में रैना काफी समय से कमेंट्री करते हुए में नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में कयास भी लगाए गए कि दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के बदले चेन्नई सुपर किंग ने से उनकी बात चल रही है, तो हो सकता है उन्होंने कमेंट्री इस वजह से छोड़ दी हो, लेकिन रैना एक बार फिर वापस आ गए हैं। बीते मैच की बात करें तो उस मैच में रैना कमेंट्री करते हुए नजर आए, यानी जो अटकलें चल रही थी वह भी सब बंद हो गई। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो टीम चेन्नई जीत की पटरी पर लौटती हुई नजर आई। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी काफी खुश नजर आ रहे हैं। विश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा है कि टीम भले ही अभी मजदार में फंसी हो, लेकिन ये कप्तान इस टीम को प्लेऑफ में ले जाने का सपना देख रहा है। चेन्नई के फैंस ये बातें जानते भी हैं कि चेन्नई मैच हारने के बावजूद ये कारनामा साल 2020 में धोनी की कप्तानी में कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।